देखे निन्यानवे फीसद मुसलमान इज नॉट रेड दी कुरान इनफैक्ट हंड्रेड मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ाओ वाई बिकॉज इट कैन बी रेड वी नो वाई नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एनी बॉडीज इज रेड द कुरान इज अ लायर बिकॉज टू रीड इट यू फर्स्ट हैव टू है इसकी अरेंजमेंट क्या है जाके नायक कहते ना चैप्टर टू थर्टी फाइव लाइन टूट झूठ बोलता है साला चेक करना वो तो नंबर भेज रहा है खटखट खटखट खट खट -कर। अब यार ये इतना इसको कैसे याद है सवाल अंग्रेज़ी में था मैं तर्जुमा करूँगा हिंदी में उर्दू में इन शह जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूँ आज उर्दू में लेक्चर है अंग्रेजी में सवाल है फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इनशाला जवाब ब्रदर ने दो सवाल किए एक सवाल था कि सुर इकर जब पहले नाजिल हुआ था पहले पाँच आए थे तो वो कुरान मजीद में नाइन्टी सिक्स चैप्टर पर क्यों है और दूसरा सवाल का जिक्र क्या बाइबल में है तोरा में है हिंदू मजाब की किताब में है क्या नहीं सवाल नंबर एक कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुबहाना वाल का कलाम है और जब एक इंसान जब लिखता है किताब और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम एंड गेटिल एक दिन ऐसा हुआ और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है वो अल्लाह सुबहाना तौला कलाम है इसीलिए जब अल्लाह सुबहाना व त अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है आप बाइबल पढ़िए रामायण पढ़िए महाभारत में सीक्वेंस है पहले ये होता है ये पैदा होता है फिर ये वो मरता है फिर दूसरा पूरा सीक्वेंस है, है कुरान ऐसा नहीं कुरान का सर आदमी सलाम का सोरे बकरा में भी है सोरे अराफ में भी है लाइन से नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है तो अलहद ये अल्लाह का कलाम है एक मौजिदा है और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताबें कुरान लगभग तेईस साल में नाजिल हुई और कई बार जब कई कुफार या मुश्रक लोग ने से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक तेईस साल में नाजिल हुई लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से वो ऑर्डर में अल्लाह सुबहाना वाली ने जबरील के जरिए मोहम्मद को दिखाया और आज जो मौजूद है सुर फातिया पहले है फिर सुर बकरा तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़े हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की उस वक्त जिब्रील सलाम वो आते हैं और कहते इकरा पढ़ो तो हमारे नबी फरमाते मैं अना बिकरी मुझे पढ़ना नहीं आता है फिर से जिब्रील सलाम कहते हैं पढ़ो मोहम्मद सलाम कहते हैं मैं अना मुझे पढ़ना नहीं आता है फिर तो कहते इकरा बिस्म ربك الذي خلق خلق الانسان من علق पढ़ो के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से मोहम्मद समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है आज सूरह फातिहा सबसे आगे है सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं नमाज में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं वो रहमान है वो रहीम है वो मालिक है आखिरत के दिन का फिर हम कहते इस दिन असरात मुस्तकीन हमें सीधा रास्ता दिखा और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई आज जो बेहतर है उस लिहाज से है बाकी दिगर मजाहब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है या तो अल्लाह रजनीश ओसो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा खुद लिख कर स्वर्ग में लिख कर इसको भिजवाया होगा क्या आप बता सकते हैं इन दो में से कौन सा तरीका सही होगा भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है अल्लाह इसके लेखक है अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पर आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भिजी होगी ये आपका सवाल बिल्कुल बचा है क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है किताब कहता हूँ तो किताब के दो मानी होती है अरबी में एक होता है बुक एक होता है वही जिसके मानी रेवलेशन है आप समझे ना किताब के दो मानी होते हैं किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन तो मैं जब कहता हूँ किताब वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है इसलिए मैंने कहा जब मैं कह रहा था चार किताबों में हमें यकीन है तोरा जबूर इंजील और कुरान तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की सलाम पे ने वही के जरिए। जरिएशन सो अल्लाह किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं अल्लाह क्या करता है अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है आप समझे ना मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया गलत मैं समझिए फ़ोन तो अभी आया अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से आए अरे हम जब फ़ोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों मुझे अगर कुछ पैगाम पहुँचाने के मेरे का खुद जाने की ज़रूरत है फ़ोन पे कह सकता हूँ कह सकता हूँ क्या नहीं मेल है फैक्स है अल्लाह ताला इंसान से कई गुना गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते ये कहना भी गलत है अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है अल्लाह ताली ने वही के ज़रिए हायर लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन एक वही के ज़रिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए मिसाल के तौर पर कुरान कुरान कैसे किताब की शक्ल में है अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु महम्मदल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लम ने दोहराए जब दोहराते थे, थे क्योंकि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे वो लेके अपने साहबा अपने साथियों को आओ लिखो इकरा लिखो इकरा तो लिखते थे दोहराओ बिस्मिल्लाहमान पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल तो वो कहते थे अपने जबान से लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ और वो सुनते थे हाँ सही है इस तरीके से धीरे 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 बाईस साल साढ़े बाईस साल में ये कुरान नाजिल हुआ एक साथ में लिख के थोड़ी फर्क में लिख के भेजा या लेखक जैसा लिखता वैसा नहीं लिखा सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रजू से पूछा मिसाल कि मिसाल के थोड़े बकरा सुरान नंबर दो आयत नंबर दो सौ उन्नीस में इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसान भी फायदे भी है नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 साढ़े बाईस साल में कुरान नाजिल हुआ जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे वो लिखते थे वो सुनते थे सही है इस तरीके से तेईस साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में बेस्ट इज़ अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है मतलब नॉट दैट ही रोटेड हिमसेल्फ ही इज द ऑथर आप समझे रहे हो ना ऑथर मींस ही इज ओरिजिनेटर कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम दैट डजंट मीन ही रोटेड विद हिमसेल्फ विद द पेन ही इज द ऑथर मींस दिस बुक कुरान इज वही अ रेवोल्यूशन रिवील फॉर अल्लाह सुभान व तआला टू हिज मैसेंजर एंड देन इट गिव इन द बुक फॉर्म होप दैट आंसर द क्वेश्चन